खंडवा में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पदम नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को पकड़ा है। देखिए यह रिपोर्ट। नए बस स्टैंड से पुलिस ने घेराबंदी करके अता उर रहमान और उपेंद्र को 2.75 किलोग्राम चरस और 87,550 नगद बरामद किए। चरस की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। खंडवा में पुलिस की मादक पदार्थों को लेकर लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। गत रात्रि को पुलिस थाना पदम नगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि नया जो बस स्टैंड इंदौर के लिए जो ओपन हुआ है, वहाँ पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में है और जिनके पास मादक पदार्थ होने की जानकारी ऐसी, वहाँ पर घेराबंदी करके दोनों संदिग्धों को पकड़ा। अगर इनकी तलाशी ली गई तो इन दोनों के पास कुल मिलाकर 2 किलो 750 ग्राम चरस और 87,550 रुपये बरामद हुए। इसकी कीमत करीब 15 लाख के लगभग है। धारा 8/21 NDPS एक्ट का अपराध इनके खिलाफ कायम किया है और आज इनको पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों 3.75 किलोग्राम चरस, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए और मोघट थाना पुलिस ने कोतवाली थाना पुलिस ने लगभग 6 किलोग्राम चरस बरामद की थी, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खंडवा।